तो ये यही बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बोली कि ऐसा पहली बार इस चैप्टर में हुआ है जहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं बच्चों को लेकर, लेकिन मुझे लगता है इसलिए इस वजह से हुई है क्योंकि बेंचमार्क इतना हाई रहा है इस शो के लिए और हमारे लिए कि और तीनों का नज़रिया जायज़ सी बात है कि डिफरेंट होंगी. तो आई जस्ट थिंक दैट द ब्यूटी अबाउट दिस entire equation between the judges is that we have mutual respect for each other. और इसमें मतलब कोई बुरा लगने वाली बात है ही नहीं कि अगर उनको कोई बच्चा अच्छा नहीं लगता है या नहीं लगता है कि अगले पड़ाव तक जाना चाहिए. ये इनका नज़रिया है और उसे बैकअप करने के लिए इनके पास लॉजिक है और रीज़न है, तो वी आर ओके विद दैट एंड वाइस वर्सा. तो इसमें बुरा लगने वाली बात है ही नहीं बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग the best super dancer for the show. Okay, दादा, इससे टीम के क्या कहना चाहेंगे? यू नो, बहुत जगह गए आप लोग ने ऑडिशन वगैरह किए, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ऐसे टैलेंट को? यू नो, खास करके बहुत मतलब इंटीरियर में गए होंगे और रूरल एरियाज में गए होंगे इंडिया की, और रिसर्च टीम के बारे में क्या कहेंगे? और कहाँ मतलब मैं फिर आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, यू नो, कि बड़ी मुश्किल से कि जहाँ TRP की तो बात मैं करूँगा नहीं क्योंकि बहुत नेचुरल है, जैसे शिल्पा ने कहा, गीता जी ने कहा. नहीं देखिए, लखीमपुर से लेकर कानपुर से लेकर कहाँ कहाँ से बच्चा आए हैं और सब बच्चों जिस क्वालिटी ऑफ डांसिंग है, गीता आपको बताई वो इतना अच्छे से उस छोटे से शहर में ऐसा सब सीख रहे हैं. हम तो देखिए, हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि जब हमारे पास जब आते हैं मतलब तो शॉर्ट लिस्ट से जाते हैं, टीम जाती है, ढूंढती है, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ और भी बच्चे रहे होंगे, इतने बच्चे तो. और जिस तरह से स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे पॉकेटों में, छोटे छोटे डांस क्लासेस में, इट्स अमेजिंग. मुझे और कभी कभी मैं विदेशी डांस शोज देखता हूँ, कभी रियलिटी शोज देखता हूँ, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत खुशी होती है. ओके, गीता जी आप क्या कहना चाहेंगे? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नो, आपको लगता है कि डांस को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं हम लोग, बीइंग एन इंडियन, यू नो, आई एम नॉट अ शो, बट आई थिंक हम लेकर जाने वाले कोई नहीं है. बच्चे आ रहे हैं वो सब लेकर, दे कम विद एन इंटेंशन ऑफ बीइंग बेटर देन द अदर्स. तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है उनको कि आओ यहाँ पे अपनी किस्मत भी आजमा लो और कुछ सीख कर भी चले जाओ. बट आई टोटली अग्री विद दादा कि ऐसे छोटे छोटे कस्बों से बच्चे आए हैं, अनबिलीवेबल है हमारे लिए. एंड लाइक शी ऑल्सो मैंशनड अर्लियर, शिल्पा जी ने ये कहा था कि शहर के बच्चे शायद थोड़े से लेड बैक हो गए हैं और दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट दे हैव एवरीथिंग. क्या ये ज़रूरी है? वो बच्चे बड़े सपने लेके आते हैं एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू वॉच ऑन दिस शो. एंड मैं चाहूँगी कि जो बच्चे यहाँ से निकलें वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाए और वो कहें कि वी आर गेटिंग इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड दे आर कमिंग फ्रॉम इंडिया. सो दैट इज़ आर ड्रीम, आई थिंक, टू सी देम ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. नाउ आई थिंक दे आर वेरी ब्लेस्ड. तो कुछ ऐसे डांसर्स होते हैं जो इंट्रिंसिकली बहुत ही नेचुरल डांसर्स हैं और उन्हें ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कुछ ऐसे डांसर्स हैं जैसे दे आर लिविंग द ड्रीम ऑफ समवन एल्स. जैसे उनकी मम्मी शायद डांसर बनना चाहती थी और उनको मौका नहीं मिला तो बच्चों को डांस क्लास में डाल दिया और बहुत सारा प्रैक्टिस किया है उन्होंने, तो दे हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल एंड दे हैव बिकम गुड. But I really think that, you know, the dancers that really stand out on our platform are the dancers that are naturally talented, who really dance with passion and who are there because they want to be there, not because they want to fulfill a dream of their parent, you know. And I think it's very difficult for us as judges to kind of sift from the dancers that are trained and the dancers that are naturally talented. तो वो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है देखना, और कभी कभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपने एबिलिटीज़ को, अपने सेंसिबिलिटीज़ को भी, क्या हमने सही किया, क्या ये डिसीजन सही था. बट आई थिंक वी हैव डन वेल सो फार. और पिछले सीज़न को अगर आप देखेंगे, हमारे फाइनलिस्ट को देखेंगे,
आई थिंक आवर जजमेंट वाज सम इफ इट हैज इफ इट्स समथिंग टू गो बाय आई थिंक वी हैव अ फेयर सेंस ऑफ जजमेंट एंड वी फील कॉन्फिडेंट इन दिस सीजन नाउ. ओके द लास्ट वन, हु इज योर फेवरेट डांसर फ्रॉम द इंडस्ट्री? फ्रॉम द इंडस्ट्री झगड़ा. नो नो, राइट नाउ डेफिनेटली इट्स टाइगर श्रॉफ. या राइट नाउ फ्रॉम द एक्ट्रेसेस खुद का नाम ऊपर क्या हम लोगों को ऐसे अभी तो मैं इंडस्ट्री में हूं. amongst the actresses दादा will be able to tell you. अच्छा ना सॉरी अच्छा एक का नाम लेंगे फिर दूसरे. आई थिंक ऑल ऑफ देम आर रियली रियली सुप्रीमली टैलेंटेड. देयर इज नोबडी हु लाइक इफ यू टेल मी टाइगर हैज लाइक अ स्पेशल नेचुरल टैलेंट. या सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डांसिंग. लड़कियों में ऐसी कोई आ नहीं रही हूँ. इट कुड बी श्रद्धा बिकॉज शी डिड एबीसीडी सो वी कैन सॉ डांसिंग एबिलिटी. But the other girls haven't got a chance. Jacqueline to is very good. Jacqueline is a very good. Jacqueline is also, she's got a knack. She's got a natural swag. And I like her, yeah. You said the name and then... After telling me the name, what you're asking? Give me an example. They're legendary, yeah. They're all iconic dancers. They set a style. I think that's the beauty also, you know, I'd like to make... it's an analogy for me, like if you're able to set a trend and leave a mark, like today we have dancers and super dancer to come in doing the Masoom wave, doing the Lakshman cartwheel. Are ye Helen jaise matlab thirakti hai agar bol sakte hai ye baat, matlab bahut badi baat hai. So it's a great platform for us to be part of, where we're given the responsibility of choosing the right kind of talent and it's churning some really amazing dancers out. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Yay!